पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। आज इस वीडियो पर आपको मूल शांति की पूजा विधि बताऊंगा। जब भी किसी बालक का जन्म मूल नक्षत्रों में होता है, प्रायः छह मूल नक्षत्र हैं, छह में से किसी भी मूल नक्षत्र में अगर बालक का जन्म हुआ हो तो उसके माता पिता को, उसके पारिवारिक जनों को उस मूल नक्षत्र की शांति अवश्य करवा लेना चाहिए, नहीं उसका दोष पारिवारिक जनों तथा पिता को लगता है। इस वीडियो पर मूल नक्षत्रों की शांति विधि या मूल नक्षत्र शांति पूजन विधि जानेंगे, या ऐसा कहें कि मूल शांति पूजन विधि जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, आपको संपूर्ण जानकारी इस विषय पर प्राप्त होगी। वीडियो आरंभ करूं उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन कर लेना चाहता हूं। जो भी दर्शक चैनल पर नए जुड़ रहे हों, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, साथ ही साथ आल के निशान को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी सारी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहा करेगी। मूल शांति पूजन विधि आरंभ करने के लिए भगवान गणपति, माता गौरी तथा कलश, नवग्रह, इन देवताओं को एक जगह पर, एक पाटे पर, एक चौकी पर स्थापित कर लें, चौक पूर लें, शुद्ध आसन पर जजमान तथा आचार्य विराजमान हो जाएं। और साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ, मूल शांति के लिए एक सहस्त्र छिद्र वाला या शत छिद्र वाला घड़ा लेकर के, कहने का अर्थात 100 छिद्र हों घड़े में या 1000 छिद्र हों घड़े में, ऐसा घड़ा लेकर के उस दिन, जिस दिन मूल शांति हो, तो बालक के माता पिता को उस सहस्त्र छिद्र वाले या शत छिद्र वाले घड़े में सर्वौषधि, हल्दी, सतावर, इस प्रकार के औषधियों को मिला करके उस घड़े के जल से स्नान करना चाहिए। उस घड़े को अपने ऊपर रखें और उस पर एक व्यक्ति जल डाले और ऐसे जल से स्नान करें, और स्नान करके पूजन कक्ष में जाकर के बैठे, भगवान के सम्मुख जाकर के बैठे, नए वस्त्रों को धारण करके बालक को साथ में लेकर के। इस प्रकार से यह इतना हो जाने के बाद शुद्ध आसन पर आप भगवान के सम्मुख विराजमान हो गए हैं, आपके आचार्य आपके पास बैठे हैं, अब आपको पूजन आरंभ करना है। किस प्रकार से पूजन करना है? सर्वप्रथम आप आचमन करिए, अपना पवित्रीकरण करिए। पवित्रीकरण के पश्चात मस्तक पर तिलक, शिखा ग्रंथि बंधन, पति पत्नी पूजन करने के लिए बैठे हैं, ग्रंथि बंधन करिए, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन का पाठ आचार्य श्रवण करवावें, सुमुखश्चैव दंतश्च श्लोकों का आचार्य पाठ श्रवण करवावें, तत्पश्चात संकल्प करवावें। यह सब कुछ मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ, कैसे संकल्प करना है, स्वस्ति वाचन, गणेश स्तुति आदि सारे श्लोक मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल क्रम समझाऊंगा, कैसा क्रम है पूजन का। संकल्प के पश्चात पृथ्वी पूजन, अखंड दीप पूजन, अखंड दीप के पश्चात भगवान गणपति तथा माता गौरी जी की पूजा करेंगे, तत्पश्चात कलश देवता की पूजा करेंगे। यह सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इन सब की मिल जाएगी। भगवान गणपति देवता की पूजन की विधि, माता गौरी के पूजन की विधि, कलश स्थापना की विधि, कलश पूजन की विधि, स्वस्ति वाचन आदि, यह सब आपको मेरे वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में इन सब वीडियो के मिल जाएंगे। गणपति तथा माता गौरी की पूजा के बाद आपको कलश स्थापना, कलश की पूजा करनी है। उसके पश्चात नवग्रह देवताओं की पूजा करनी है। नवग्रह देवताओं के पूजन के पश्चात जो आपने मूल बनवाए हैं, जो मूल नक्षत्र बनवाए हैं, अगर मूल नक्षत्र नहीं बन के आपको मिल पा रहे हैं, उसकी जगह आपको स्वर्ण या चांदी के सर्प तथा सर्पिणी बनवा लेना है और इनकी पूजा करना है मूल शांति के लिए। तो कलश तथा नवग्रह पूजन के बाद इन्हीं का पूजन करना है, आचार्य इनका पंचोपचार पूजन करवावें, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के जो भी मूल नक्षत्र में, जिस भी मूल नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ हो, उस मूल नक्षत्र का मंत्र बोलते हुए उनका सर्वप्रथम ध्यान करें। एक बात और बता दूं, अगर आप मूल नक्षत्रों के मंत्रों को जानना चाहते हैं, ऊपर
आई बटन पर वह वीडियो पड़ा हुआ है। प्रत्येक 6 मूल नक्षत्रों के अलग अलग मैंने मंत्र बता रखे हैं। तो उस मूल नक्षत्र का हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के उस सर्प तथा सर्पणी पर ध्यान करें। स्वर्ण या चांदी के बनवाना है, फिर जल प्रवाह करवा देना है इनको। तत्पश्चात पंचोपचार पूजन करेंगे। पहले प्राण प्रतिष्ठा स्पर्श करके दोनों की प्राण प्रतिष्ठा मनोजू त्रिजुखता माजस्य मंत्र से इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे। फिर पंचोपचार पूजन, स्नान, चंदन, अक्षत पुष्प, पुष्पमाला, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप नैवेद्य आदि यह समर्पित करके पंचोपचार पूजन हो गया। यह मूल शांति हो गई। और मूल शांति के लिए आपको एक बात और बता दूं, जिस भी मूल नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ हो, उस मूल नक्षत्र के वैदिक मंत्र का यथाशक्ति जाप अवश्य करवावें। जैसे किसी बालक का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र के मूल नक्षत्र में हुआ है तो ज्येष्ठा के वैदिक मंत्र का यथाशक्ति जाप करवावें उसी दिन पूजन के समय। दो चार अन्य ब्राह्मणों को बैठा दें, लगभग 5 ब्राह्मण कर लें आचार्य सहित, तो 4 ब्राह्मण यथाशक्ति मंत्र का जाप कर लें जिस भी मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, और आचार्य जी पूजा करवा लें। मूल नक्षत्र का जाप के बाद और इधर पूजन चलता रहेगा आपका, पूजन और साथ में जप आपका संपन्न हो जाएगा। यथाशक्ति का संकल्प लेवें जप के लिए। और तत्पश्चात पूजन के पश्चात हवन करवें। हवन की विधि में पूर्व में बता चुका हूँ आप सबको। और इसी मूल नक्षत्र के मंत्र से कम 1 माला 3 माला हवन अवश्य करें जिससे मूल शांति हो जावे। हवन का क्रम इसी प्रकार से रहेगा, अग्नि का पूजन, अग्नि का ध्यान और सर्वप्रथम भगवान गणपति माता गौरी की आहुति, सभी आवाहित देवी देवताओं की आहुति, नवग्रह देवताओं की आहुति तथा यथाशक्ति मूल नक्षत्र जो आप जप रहे हैं, जो पंडित लोग जप रहे हैं मूल नक्षत्र, उस मूल नक्षत्र के शांति के लिए लगभग 3 या 5 माला उस मंत्र का हवन। यही बिल्कुल सूक्ष्म विधि है, अन्यत्र जगह जाएंगे आप काफ़ी बृहद विधि इसकी मिलेगी, परंतु मैंने इसको यहाँ पर आपको सूक्ष्म रूप में बताया है। और इतनी विधि यह कारगर है, इतनी यही विधि कर लेनी चाहिए। यह सारे पूजन विधि जो मैंने बीच बीच में कहा, गणपति पूजन, कलश पूजन, यह सारे पूजन मैं पूर्व में बता चुका हूँ। वहाँ से आप नीचे डिस्क्रिप्शन से आप उन सब वीडियो को देख सकते हैं और इस पूजन को करवा सकते हैं। आज्ञा दीजिए, पुनः मिलता हूँ आप सबसे एक नई वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।